लेबोरियसली विद डबल कॉटन. लेबोरियसली मीन्स विद ग्रेट हार्ड वर्क. विद ग्रेट हार्ड वर्क, जिसमें बहुत मेहनत लगे, ठीक है, बहुत एफर्ट्स के साथ उसने विद अ डबल कॉटन, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉटन के साथ. द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइज, उसने थ्री साइज को पहले बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर लिया, फिर इसमें कॉटन स्टफ कर दी. बट वॉट टू फिल इट विद, भरा किससे जाए, तो ये क्वेश्चन था. तो अब उसके अंदर स्टफिंग चाहिए ना, तो उसने क्या किया, द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. ग्रैंड मदर गार्डन में थी एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम. ठीक है, वो क्या करती है कि मम्मी के कमरे में जाती है और जितनी भी बेकार कपड़े वगैरह या जो भी स्क्रैप होता है वो उठा के वो ले आती है, क्योंकि छोटी बच्ची है, इतनी समझ नहीं है, बस ये पता है इसके अंदर स्टफ़ करना है, ठीक है. तो वो स्क्रैप्स वगैरह लेकर आती है, बेकार चीज़ें, ठीक है, स्मॉल पेपर क्लोथ वगैरह जो रहता है. ऑन द बेड टेबल उसने देखा कि बहुत सारी शीट्स पड़ी हैं पेपर की, उन सबको उठाया, टुकड़ों टुकड़े कर दिए और स्टफ़ मतलब फिल कर दिया, ठीक है. हर केस किसको बोला गया है यहाँ पे, कुशन को. इसे बोला गया है केस यहाँ पे कुशन को, कि उसने कुशन को क्या कर दिया, पूरी तरीके से फिल कर दिया. एंड देन स्वीड अप सिल दिया, क्या फोर साइड को भी उसने पैक कर दिया, ठीक. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यूज यू एंड क्राई इन द हाउस. यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा, जिसमें गुस्से की आवाज़, लड़ाई की आवाज़, झगड़े की आवाज़ आ रही हो, ठीक है. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, फादर की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी, ठीक है, पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, वो मिल नहीं रही थी. सारे रूम देख लिए, सारे सर्वेंट से पूछ लिया, कुछ नहीं मिला. फाइनली मदर आती हैं केजिया के रूम में. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आर रूम. बच्चे, आपने मेरे कमरे में जो हमारे बेड के पास एक टेबल है, क्या आपने वहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े हुए देखे थे? ओ यस, हाँ, तो उन्हें तो मैंने फाड़ दिया, ठीक है, कुतरा कुतरा कर दिया उनका. क्यों? क्योंकि मुझे पापा के लिए एक सरप्राइज बनाना था, तो मैंने वो यूज़ कर लिया. वॉट, एकदम मदर शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि पापा तो वैसे ही गुस्से वाले नेचर के हैं, ठीक है. कम स्ट्रेट डाउन, सीधा नीचे आ जाओ, पापा बुला रहे हैं. सीधा नीचे आ जाओ, पापा बुला रहे हैं, ठीक है, डाइनिंग रूम में. शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर, तो उसे ले जाया गया वहाँ तक, ठीक है, जहाँ पर उसके पापा थे. टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे घूम रहे थे. आपने देखा होगा कि जब भी वो लोग फादर वगैरह फादर लोग या कोई भी घूम रहे होते हैं, हाँ, पीछे हाथ में पीछे हाथ रख कर, हाथों को पीछे रख के, तो वो आगे पीछे कमरे में हो रहे होते हैं, आगे पीछे, है ना. तो बिल्कुल सेम पोस्चर में उसके फादर भी थे. वेल, ही सेड शार्पली, उन्होंने बोला, हाँ, क्या हुआ, मदर से पूछा. मदर ने बताया कि ऐसे ऐसे उसने यूज़ कर लिया. फादर को बहुत गुस्सा आया, वो एकदम रुके और उन्होंने चाइल्ड को घूरा. तुमने किया है ना वो? नो नो नो, शी विस्पर्ड. मदर, जाओ इसे इसके रूम में लेकर जाओ और साथ में वो चीज़ भी लेकर आओ जो इस एंड फेच डाउन द डैम थिंग, और क्या बनाया है इसने वो भी लेकर आना. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और अभी इसको इसके कमरे में लेकर जाओ, बेड पे बिठाओ, ठीक है. नाउ, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो पूरा समझाना चाह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी. शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवन लाइट, इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, ठीक है. उसने क्या किया कि कमरे में कहीं पे क्या था, रोशनी आ रही थी कहीं से, तो उसने क्या करा, अपने पैरों से ही कुछ पैटर्न्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है. फादर आए रूम में एक बड़ा सा स्केल लेकर. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, इस गलती के लिए तुम्हें पिटाई पड़ेगी. सो फादर वॉज देयर टू पनिश द चाइल्ड. Instead of understanding the child or making the child understand the value of not touching the things which are not acquainted, मतलब उन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए ना जिनका हमें पता नहीं होता. बचपन में भी हमें बताया जाता है, बेटा आपकी चीज़ नहीं है तो मत छुओ, किसी और की चीज़ नहीं छूते, ये समझाया जाता है. फादर ने ये समझाने की जगह पे उसे क्या किया, एक पनिशमेंट दी. ओ नो नो, वो चिल्लाने लगी अंडर द बेड क्लोथ्स. बेड क्लोथ्स क्या कह सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे शीट होती है, चादर के नीचे वो जो थी छुप गई. शी पुल्ड देम असाइड, चादर हटाई उसने, सिट अप, और कहा कि सीधे बैठो और अपने हाथ आगे करो. यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सबक सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसे आपको नहीं छूना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, पर वो आपके बर्थडे के लिए बनाया था, मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, आई एम सॉरी. वो एक्सप्लेन कर रही होती है, बट फादर इतने गुस्से में थे कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते. डाउन कम द रूलर ऑन हर पिंक पाम,
लिटिल पिंक पाम, तो छोटे छोटे हाथों पे उसको क्या पड़ा, स्केल से पिटाई पड़ी उसको। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, ठीक है, ग्रैंड मदर ने क्या करा, उसे अपनी शॉल में रैप कर लिया। ठीक, सो वी विल कॉन्टिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, वेयर वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अब तक तो उसको डांट पड़ी, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, ऐसा क्या इवेंट होता है जो उसके अंदर क्या आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। इन द प्रीवियस पार्ट वी कवर्ड व्हेन कवर्ड द पार्ट वेयर द लिटिल गर्ल हैड टोर्न द पेजेस ऑफ हर फादर्स इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड लेटर हर फादर पनिश्ड हर। ठीक है, बट यहाँ से स्टार्ट होगा वो फेज जहाँ से उस गर्ल के अंदर क्या आना शुरू होगा, ट्रांसफॉर्मेशन उसके पापा के ओपिनियंस को लेकर। ठीक है, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, कुछ आर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब उसकी पिटाई हुई, ठीक है, फादर ने पनिशमेंट दिया, तो उसके बाद ग्रैंड मदर ने क्या किया, उसे अपनी शॉल में रैप कर लिया, लपेट लिया, जैसे यूजली ग्रैंड मदर्स करती हैं बच्चों को अफेक्शन शो करने के लिए। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर होती है ना, जो बैठे बैठे आगे पीछे झूलते रहते हैं। ठीक है, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, क्लंग का मतलब होता है चिपक जाना, क्लंग का मतलब क्या होता है, गले लग जाना या चिपक जाना, नॉट गले लग जाना बट रैपिंग और होल्डिंग समथिंग टाइटली, ठीक है, चिपक जाना। ठीक है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, एंड देयर वॉज अ डाउट इन हर माइंड कि फादर्स क्यों बनाया भगवान जी ने, क्योंकि उस गर्ल के माइंड में ये इमेज बनी हुई थी, द इमेज ऑफ अ फादर ऑफ फादर्स वॉज, उसने ये सोचा हुआ था कि फादर्स जितने भी होते हैं शायद मेरे पापा की तरह ही होते हैं, और वो सब क्यों कैसे होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो ठीक से बात नहीं करते, डांटते हैं और कभी कभी पनिशमेंट भी देते हैं। ठीक है, उसको नहीं आइडिया था कि अलग अलग तरीके के पापा होते हैं। ठीक, सबके फादर का ओपिनियन नेचर अलग होता है। लेट अस सी हाउ, हेयर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, लो मेरे बेटे, ये किसने बोला, ग्रैंड मदर ने बोला ये बात, ये डायलॉग कौन बोल रहा है, ग्रैंड मदर, हेयर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, बिल्कुल क्लीन हैंकी है, अपनी नोज साफ कर लो, गो टू स्लीप, सो जाओ, पेट, पेट मतलब माई डियर, पेट का मतलब पालतू नहीं, माई डियर, ठीक है, अब प्यार से बोल देते हैं। ठीक है, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह आप सब भूल जाओगी, मैंने आपके पापा को समझाने की कोशिश की बट वो आज इतने अपसेट हैं, इतना गुस्सा हैं, इतने नाराज़ हैं कि आज वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, ऐसा होता है कि बचपन की कोई चीज़ हमें अगर डरा देती है, हॉन्ट कर देती है, तो वो चीज़ हम बड़े होने के बाद भी नहीं भूल पाते, और ये एक्सपीरियंस उस बच्ची के लिए यही ऐसा ही था, विच वुड हॉन्ट हर थ्रू आउट द लाइफ, हॉन्ट का मतलब होता है डराना, मन में डर बैठ जाना। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिसाइड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, रेड कलर ड्यू टू फियर, यहाँ पे डर की वजह से, ठीक है, उसके चीक पर क्या आ जाता था, रेड कलर, क्यों आता था, डर की वजह से। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जब भी वो अपने पापा को देखती अब आगे से, वो क्या कर लेती, अपने हाथ पीछे की तरफ छुपा लेती कि कहीं पापा फिर से मेरी कोई गलती पर मेरी पिटाई या मुझे पनिशमेंट ना दे दें। ठीक है, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स दोनों ही, मैकडोनल्ड्स एक फैमिली है, जैसे केजीए की फैमिली है, ऐसे मैकडोनल्ड्स सरनेम दिया गया है कि साथ में कौन लोग रहते थे, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, मैकडोनल्ड वो वाला नहीं, आई एम लविंग इट वाला मैकडोनल्ड नहीं, ठीक है, दे हैड फाइव चिल्ड्रन, मैकडोनल्ड्स के पांच छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसने क्या देखा, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, ये फेंस है, ऐसे आपने देखा होगा गार्डन्स में बनी होती है फेंस, तो उसमें एक छोटा सा क्रैक था, उस क्रैक के थ्रू केजिया देखती है कि ये जो पांच बच्चे हैं अपने फादर के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, दे हैड फाइव चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, उसने फेंस के बीच में गैप था, उसने वहां से देखा, तो क्या देखा कि वो लोग क्या खेल रहे थे, टैग, टैग क्या होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पकड़म पकड़ाई, ठीक है, तो वो टैग खेल रहे थे इवनिंग में,
फादर विद द बेबी माओ, एक बेबी का नाम था माओ, ठीक है, उसे अपने शोल्डर पर बिठाया हुआ था। जो जो दो थे वो कोट की पॉकेट से छोटे छोटे थे, इसलिए कोट की पॉकेट पकड़ के लटके हुए थे, और दो उसके पैरों के पास गोल 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 घूम रहे थे, ठीक है। वन शी और क्या देखा कि आसपास किसके आसपास खेल रहे हैं, वो फ्लावर बेड के। फ्लावर बेड क्या है, बीच में फ्लावर्स लगे हुए हैं तो वो उसके आसपास घूम रहे हैं कि पकड़ो मुझे पकड़ो, ठीक है। शेकिंग विद लाफ्टर, खूब हंसी मजाक के साथ, खूब हंसी तेज तेज हंसी के साथ वो लोग खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत मजा आता है कि जब आप उनके पीछे पकड़ने भागो तो। वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, होज टर्न द होज ऑन हिम मतलब उनके पैर पकड़ के आसपास घूम रहे थे। ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, ठीक है, तो वो जो है हमेशा उनसे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो फादर वॉज इंजॉइंग विद द चिल्ड्रन, ठीक है। देन इट वॉज शी डिसाइडेड, तब उसे पता चला कि दुनिया में अलग अलग तरीके के पापा होते हैं। एक दिन क्या होता है, मम्मी की बहुत ज़्यादा, किसकी मम्मी की, केजिया की मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, और ग्रैंड मदर भी वहाँ मदर का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, एलिस कौन था, उनका कुक, ठीक है, जो उनका मेड था घर पे। दैट वॉज द राइट टाइम इन द, इट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, डे टाइम तो बच्ची ने कैसे ना कैसे निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि पापा वर्क पर चले गए, एंड शी वॉज अलोन इन द हाउस, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, डे टाइम था। हमें भी दिन के टाइम में अकेले रहने में घर में डर नहीं लगता, पर रात के टाइम में हमें भी थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, पुटिंग हर टू बेड का मतलब है सुलाना, जब उसे सुलाने लगा कौन, एलिस, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, उसे बहुत डर लगने लगा। वॉट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, अगर मुझे रात को कोई बुरा सपना आता है, नाइट मेयर का मतलब होता है अ बैड ड्रीम, ये लिखा है अ बैड ड्रीम, ठीक है, रात को अगर कोई बुरा सपना आया तो मैं रात को क्या करूँगी। शी आस्ट, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, मुझे कभी कभी बुरे सपने आते हैं और उस टाइम ग्रैंड मदर मुझे क्या करती हैं, अपने बेड पर ले जाती हैं, अपने साथ सुला लेती हैं, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, इट ऑल गेट्स विस्परी, ठीक है, बहुत क्या हो जाता है डरावना, मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, मेरे बेटे एक काम करो तुम सो जाओ, ठीक है, उसकी सॉक्स वगैरह उतार के उसे सुलाने की कोशिश की, और चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारे बेचारे पापा उठ जाएंगे। पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है बेचारा, जो वो इंसान जो पूरा थका हारा है, आप उसको बेचारे को क्या करोगे, उठा दोगे, जैसे मम्मी सो रही हो पूरा दिन घर का काम करके, तो हमें उन्हें नहीं उठाना चाहिए ना जब वो सो रही हूँ। शी हैज़ वर्कड अलॉट, राइट, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और वही जो एक बार पुराना पहले कभी नाइटमेयर आया था, वही दोबारा नाइटमेयर उसे आता है। जो बुचर था, एक वाइफ के नाइफ के साथ था और एक रस्सी के साथ। बुचर कौन होता है, जो कि मीट कट करता है ना, वन हु कट्स मीट, ठीक है, मीट के टुकड़े टुकड़े करता है, ठीक है, फ्लैश जो काटता है उसको बुचर बोलते हैं। उस वो कैसा आया, नाइफ के साथ विद अ रोप, एक रस्सी उसके हाथ में थी। हु केम, और वो सपने में क्या था, उसके पास आए जा रहा था, आए जा रहा था, आए जा रहा था, वो सपने में उसके पास आए जा रहा था, ठीक। हु केम नियर एंड नियरर स्माइलिंग एट दैट ड्रेडफुल स्माइल, और बड़ी भयंकर, ड्रेडफुल का मतलब होता है डराने वाली, टेरिफाइंग, बहुत ही डरावनी हंसी के साथ वो तेज तेज हंसता हुआ उसके पास आ रहा था। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं पा रही थी सपने में, बस स्टिल खड़ी हुई थी और चिल्ला रही थी क्या, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, और इतने में ही डर के कारण उसकी आँख खुल जाती है, ठीक है, और वो बहुत कपकपा रही थी। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना, ठीक है, कपकपाना, और उसने क्या देखा कि उसके पापा उसके साइड में खड़े हुए हैं एक मोमबत्ती लेकर। अब सोचो कोई रात में बुरा सपना देख रहा हो, ठीक है, और एकदम से उसकी आँख खुले और यहीं पूरे घर की लाइट बंद हो और आपके पास जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा डरते हो वो मोमबत्ती लेकर पूरे अंधेरे कमरे में आपके बिल्कुल सर पर खड़ा हो, आपकी क्या हालत होगी, बिल्कुल सेम हालत, डरी हुई हालत किसकी हुई, किसकी हुई, फादर की। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, वो बुचर एक नाइफ लेकर मुझे ग्रैनी के पास जाना है, वो रोते रोते बोलती है। ही ब्लू आउट द कैंडल, ब्लू आउट का मतलब होता है भुजा देना, ब्लू आउट का मतलब क्या होता है, भुजा देना, टू एक्सटिंग्विश, ठीक है, तो उसने कैंडल को बुझा दिया।
बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म. उन्होंने क्या करा, अपनी बेटी को गोदी में उठाया. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज. और पूरा वो जो बड़े से रूम में है, एक पैसेज के थ्रू, जैसे कहने का मतलब है अपने रूम की तरफ बढ़ गए वो, ठीक है. और जो उनका मेन कमरा था फादर का मदर का, वहाँ वो काफ़ी बड़ा सा रूम था, वो वहाँ गई, ठीक है, पापा के साथ. बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, वो उन्होंने साइड किया और ध्यान से उसको, बच्चे को बेड पर बिठा दिया, लिटा दिया, ठीक है, साथ में उसके साथ ही लेट गए. हाफ अस्लीप स्टिल स्टिल विद द बुचर स्माइल. अभी वो आधी सोई हुई थी बट फिर भी उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अभी भी वो बुचर की खतरनाक स्माइल ही उसके दिमाग में आ रही थी, ठीक है. उसको अच्छे से बेड में जब शीट वगैरह से कवर कर दिया, ठीक है. शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. वो अपने पापा के पास और रेंग कर पास चली जाती है और अपना सर जो था क्या किया, पापा की आम के नीचे रख लिया. क्यों? क्योंकि बिकॉज शी वॉज वेरी अफ्रेड. और छोटे बच्चों को डर लगता है तो दे वॉन्ट समवन, लाइक उनको पेरेंट्स चाहिए होते हैं कि वो ये आसपास उनके हो, ठीक है. आपने भी देखा होगा कभी हम डर जाते हैं रात को तो सीधा देखते हैं मम्मी पापा कहाँ है ना. सेम हैपन विद द चाइल्ड. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. और पापा की शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लिया. देन द डार्क डिड नॉट मैटर. उसके बाद द डार्क का मतलब है नाइट टाइम. फिर उसके बाद जो वो अंधेरा था वो उसको फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, पापा थे साथ में, वो आराम से लेटी रही. पापा उसके बोलते हैं उसे, एक काम करो तुम अपने पैर जो है मेरे पैर से रगड़ लो, तुमको अच्छा लगेगा, यू विल फील वार्म, ठीक, अच्छा लगेगा तुमको. टायर्ड आउट, पापा भी थके हुए थे तो इतनी थके हुए थे पूरा दिन के काम से तो वो भी सो गए. एक फ़नी फीलिंग उसके दिमाग में आती है कि बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं जितना बड़ा मैं समझती थी, वो इतने भी राक्षस जैसे बड़े नहीं हैं. आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम. हम सबके पास तो कोई ना कोई ध्यान रखने के लिए होता है, पर पापा का ध्यान कौन रखता है, कोई भी नहीं रखता, ठीक है. तो पापा को भी बुरा लगता होगा ना, पापा भी थक जाते होंगे. वो बहुत, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. जैसे लेडीज़ का जो बॉडी टेक्स्चर होता है वो सॉफ्ट होता है, मेल्स का हार्ड होता है. आप कभी अपने मम्मी के हाथ टच करना, वो आपको क्या लगेंगे, सॉफ्ट लगेंगे, पर पापा के हाथ थोड़े स्टिफ लगेंगे, हार्ड लगेंगे, ठीक है ना. तो वो हमें हमेशा अपनी ग्रैंड मदर से चिपकी हुई रहती थी, तो उसे पता है कि ग्रैंड मदर का बॉडी टेक्स्चर कैसा था, सॉफ्ट है ना, बट पापा की बॉडी कैसी थी, थोड़ी हार्ड. बट इट वॉज नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. मिस्टर मैकडोनल्ड तो शायद अक्सर घर पर रहते थे, पर उसके पापा को तो खूब मेहनत करनी पड़ती थी, रोज़ काम पर जाते थे और पूरा दिन थकने के बाद किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ खेल सके. शी हैड टोन. ऊपर से उसने क्या करा, उनकी ब्यूटिफुल राइटिंग थी, उनका काम था जो उसने फाड़ दिया था. शी स्टिड सडनली उसे कुछ होता है एंड शी शिवर्स अगेन. स्टिड का मतलब है शिवरिंग. फिर से वो हल्का सा शिवर करती है और डीप साइड का मतलब होता है डीप ब्रेथ लेती है, गहरी सांस लेती है. क्या लेती है, गहरी सांस. व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ बेटा, कोई एक और ड्रीम देखा. नहीं पापा, माय हेड इज ऑन योर हार्ट. आपके हार्ट के ऊपर है, मुझे आपके हार्ट की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है. कितना बड़ा दिल है आपका फादर डियर, ठीक है. बड़ा दिल मतलब इट वॉज अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड. वो लड़की थैंकफुल फील कर रही थी कि पापा कितने मेहनत करते हैं, भले ही मेरे साथ खेल नहीं पाते बट ही वर्क्स अ लॉट टू रन द फैमिली. और इस तरीके से कहाँ वो अपने पापा से डरती थी और आज वो अपने पापा को अप्रिशिएट कर रही है. सो दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन, राइट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग.